ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको ग्रहों के माध्यम से बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर वृषभ राशि के जातकों को उतार चढ़ाव या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन 10 दिनों में ग्रही स्थितियां आपके राशि के ऊपर कैसी रहने वाली है, कौन कौन से ग्रहों की युति बन रही है और ग्रहों की ये परिवर्तनकारी स्थितियां आपके जीवन में कैसा असर डालेगी, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि वाले जातकों का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशिफल को यदि आरंभ किया जाए तो इस समयावधि में देखिए राहु देव आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। 21 से लेकर 30 मार्च तक की समयावधि में शुक्र की उपस्थिति आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 11th हाउस पर सूर्य बुध के साथ गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के दशम भाव पर कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के रोग भाव पर गोचर करेंगे और पूरे महीने भर गोचर करेंगे। मंगल की स्थिति आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर बनी हुई रहने वाली है, जिसमें आपके राशि के दशम भाव पर शनिदेव सस नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में इन 10 दिनों की समयावधि में कर्म भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है, सूर्यदेव की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है और शनिदेव आपके दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए कैरियर के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसमें आपको मान सम्मान भरी स्थितियां इन 10 दिनों में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको जीवन में अच्छा लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यदि आप ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शनिजन्य क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं, किसी प्रकार की यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी बुधदेव राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे और आपके राशि के लाभ भाव पर चतुर्ग्रही युति बन रही है, तो यहां पर आपके जीवन में आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। धन धान्य सुख समृद्धि की बढ़ोतरी आपको इन 10 दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में बृहस्पति का प्रभाव अप्रत्याशित धन लाभ दिलाने में समर्थ है। हालांकि 12वें भाव पर राहु की उपस्थिति है जो आपके जीवन में खर्चों को भी जन्म दे सकती है, खर्च आपके जीवन में काफी बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है, राहु की पंचम दृष्टि आपके राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है,
तो देखिए, परिवार के सदस्यों में आपको उलझने ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, सामंजस्य की कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक सुख की कमी होने की वजह से आपके मन में भी खिन्नता निर्मित हो सकती है। तो पारिवारिक समरसता और पारिवारिक खुशियां बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। घर में सकारात्मक माहौल बनाकर इन 10 दिनों में आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इन 10 दिनों की समयावधि में बुधदेव आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी होकर 11th हाउस पर प्रभावी हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही बेहतर बनी हुई है, जिससे विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मन में सकारात्मकता और उत्साह बढ़े रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि पूर्व की समयावधि से आपके मन में बार बार अस्थिरता या तनावपूर्वक स्थिति बनी हुई थी, मन में चंचलता बनी हुई थी, अपने आप को आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो शिक्षण संस्थान के लिए यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इन 10 दिनों में आपको बेहतर प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। किसी गहरी फ्रेंडशिप में है, प्रेम संबंधों में है, तो लव लाइफ में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। शुक्र का गोचर इस समयावधि में द्वादश भाव पर हो रहा है, तो मन में सकारात्मकता बनी हुई रहने वाली है। रोमांस करने की स्थिति आपके जीवन में निर्मित होने वाली है। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो प्रेम में सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों मंगल देव आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राशि के दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके राशि के सप्तम भाव पर बना हुआ है। तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो खुशियां आपको जीवन में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। देव गुरु बृहस्पति और बुध देव का शुभ प्रभाव है, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में आपको शांति, एकाग्रता और मन में प्रसन्नता आपको देखने के लिए मिल सकती है। संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति होने की विशेष संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में सेहत के मामले में स्थिति काफी बेहतर रहेगी। मंगल देव आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, राशि स्वामी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर बनाकर चल रहे हैं, तो किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। परिवार के किसी सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर यदि नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे आपको विशेष निजात देखने के लिए मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, खान पान की आदत पर आपको ध्यान जरूर देकर चलना होगा। द्वादश भाव पर राहु की उपस्थिति पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं देती है, इसलिए संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल में यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले दो खास सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों को जीवन में खर्च कम करना चाहिए और बचत इस समयावधि में आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, तो अपने जीवन के गुप्त राज को किसी व्यक्ति से साझा करने से बचें, तो इस समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। वहीं राशि स्वामी शुक्र की स्थिति बेहतर करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म
और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।